वेलकम टू सोनमार्ग। यू जितनी कार्स नहीं दिख रही होंगी, उतने यहाँ पे मिलिट्री के ट्रक दिख रहे हैं, उतनी फोर्स दिख रही है, टैंक्स दिख रहे हैं। कोई स्नोफॉल नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है और 200 मीटर लंबा मार्केट है। इसके अंदर आपको शॉल्स वगैरह, विंटर वगैरह, कपड़े वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, नॉर्मली आप जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये लोग सब राइड करके मांदे। गर्मी के मांदे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रिप्रेजेंट करते हैं, आपस में है भाई भाई। हम आ गए हैं सोनमर्ग वैली, ये देखिए, और ये रही वादियाँ, ये देखिए हरे हरे खूबसूरत पहाड़, बहुत अच्छी लग रही है हवा यहाँ पे, पूरा इंतजाम है भाई पूरा। हम लोग ले आए हैं फ्रूट चाट और ये ब्रेड बटर टोस्ट, और यहाँ तो अभी ट्रेवल करने में भी हमको काफी ज्यादा टाइम स्पेंड होगा भाई। मस्त लग रहा है भाई। तो ये आवाज सुने, पहाड़ों पे बारिश हो रही है, मौसम देखिए कैसा हो गया है। ये देखिए सारे बाइकर्स और ये लेह से वापस आ रहे हैं, क्योंकि हो रहा है क्या हो रहा है भाई, बकरा वो जा। ब्यूटीफुल व्यू। वालेकुम अस्सलाम। ये है सोनमर्ग का मार्केट और यहाँ पूरा मिलिट्री बेस बना हुआ है सोनमर्ग में, ये हमारे लिए लगी हुई है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बहुत बड़ा बेस है, इतना बड़ा है और इतनी कार्स नहीं दिख रही होंगी, उतने यहाँ पे मिलिट्री के ट्रक दिख रहे हैं, उतनी फोर्स दिख रही है, टैंक्स दिख रहे हैं। और थैंक्स टू इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स ये है सोनमर्ग का मार्केट, एक छोटा सा मार्केट है, सोनमर्ग में हम लोग पहुंच गए हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ ग्रीनरी दिख रही है चारों तरफ, कोई स्नोफॉल नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है और नो डाउट ग्रीनरी है, पेड़ है, कुछ वैलीज दिख रही हैं। मार्केट एक अप्रोक्स 200 मीटर लंबा मार्केट है, इसके अंदर आपको शॉल्स वगैरह, विंटर वगैरह, कपड़े वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, नॉर्मली आप जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और बहुत ज्यादा सोनमर्ग में अभी और कुछ देखने को नहीं मिला, अभी मैं आगे चल रहे हैं और देखते क्या देखने को मिल सकता है, कवर करते रहेंगे। मुझे तो सोनमर्ग में ही पसंद आया। काफी दूर चल के आए, विंटर्स में डेफिनेटली खूबसूरत होता है सोनमर्ग, क्योंकि जो यहाँ का क्रेज है वो यही है कि स्नोफॉल, स्नो और ये ग्रीनरी है, पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप एंजॉय क्या करेंगे। देखिए ये लोग सब राइड करके मांदे। गर्मी के मांदे, बिचारी इन्होंने स्वेटर पहन रखा, मुंह लाल हो गया है। ये आंटी देखो थक गई बिचारी। सामने में आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ, अपनी खूबसूरती इंडिया की, अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। अरे नीचे तो दो लाइन भी है। तो देखिए सोनमर्ग, भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। इसके साथ जो खूबसूरती है वो ये है, नहीं दिख रही है ऐसे, नहीं मुझे फोन पकड़ा इधर से नहीं। तो फ्रेंड्स ये आपको चार फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए चारों रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने वाले फ्लैग्स हैं और बिल्कुल जो है इंडियन फ्लैग के पास में है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए देखिए, और जो है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रिप्रेजेंट करते हैं, आपस में है भाई भाई। और ये वादियाँ, चलिए अभी रोकता हूँ गाड़ी तो फिर इनको शूट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम सोनमर्ग में, और सोनमर्ग के अंदर जो चीज सबसे खूबसूरत सुनी थी वही दिखाई दे रही है, वैलीज, पहाड़, दूर ऊपर चोटियों के ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए उधर भी आपको बर्फ दिख जाएगी, खूबसूरत है मगर मैं कहूँगा बेहद खूबसूरत तो नहीं, बहुत सारे जो हैं ग्रीन ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, पाइन ट्रीज हैं, बहता हुआ दरिया है वो देख सकते हैं, और इधर देखिए वादियाँ, सिक्योरिटी बहुत है, फोर्सेस बहुत हैं, पहाड़ों पे
वो देखिए मौसम भी थोड़ा बदल रहा है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश पड़ सकती है। तो वो जब आप दूर देखेंगे, वो देखें वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़िया है, ओवरऑल व्यू बढ़िया लग रहा है हमें, अच्छा बड़ा है सोनमर्ग। ये देखिए इधर से, ये उधर से जो है व्हीकल्स अपना उधर आ रहे हैं और ये सीधे इधर लेह के लिए निकल जा रहे हैं। तो चलिए अभी आगे और कवर करते हैं। और इधर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। ये जब पूरा हो जाएगा तो शायद जोजिला पास डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स ये है ब्यूटी देखिए सोनमर्ग की, कि ये बह रही है नदी, ये वहां तक लग रही है। तक ये देखें, ये एक ऐसी वादी है जिसके अंदर जो है नदी बह रही है। और लोग वो देखिए कितना पॉपुलेशन यहाँ भी है। हम वहाँ गए थे, हाँ हम वहाँ से नहीं उससे भी नहीं, नहीं, वहाँ वो ब्रिज नीचे उतर के, वो जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको वो देखिए, वहाँ आगे ब्रिज वहाँ पे हाँ। ये भी नीचे भी वहाँ भी लोग कार वॉश कर रहे हैं, हम वहाँ तक गए थे हाँ। और ये देखिए ये लद्दाख जा रहा रास्ता कारगिल, ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये कारगिल है हाँ, ये कारगिल के लिए। उधर से भी इधर से भी इधर से कंफर्म नहीं, उधर से जा रहा होगा। अरे वही तो टर्न होगा था, हम इधर हो गए, वो उधर से निकल गया। ओके टर्न हो गई, हम आ गए हैं सोनमर्ग वैली। ये देखिए हवा चल रही है, चले साथ में चलिए बच्चे, अरे एंजॉय करते हुए। बस यहाँ पे ये है कि आप सुकून सुकून लीजिए, बैठिए, बहुत पब्लिक है, बैक कैमरे से देखिए। ये रहे हम और ये रही वादियाँ, ये देखिए हरे हरे खूबसूरत पहाड़, बहुत अच्छी लग रही है हवा यहाँ पे। यहाँ पे वही वाला सीजन है, नवंबर वाला, बर्फ देख के कह सकते हैं, प्लेन्स में तो पड़ती नहीं पर हवा में जो ठंडक है वो है नवंबर वाली। खूबसूरती देखिए, हम स्नो के कितने पास हैं, देखिए की मस्ती। पापा गए हैं कुछ चिप्स विप्स लेने, जरा आप लोग जाम देखें, पब्लिक देखें, रश देखें, ये देखें। अभी तक डॉक्टर साहब को हमारे चिप्स विप्स नहीं मिल पाया तो वो अभी आए नहीं हैं। चले आ जाओ जैसा कि आप देख रहे हैं, पहुंच गए हैं हम लोग सोनमर्ग। ये रहे डॉक्टर साहब फुल चटाई वटाई लेके, पूरा इंतजाम है भाई पूरा और बहुत खूबसूरत है, देखिए आपको बर्फ बर्फ दिख रही है। और अगर मैं सामने जूम करके दिखाऊं तो वो रहा जीरो पॉइंट, जाना तो हमको वहीं था लेकिन बंद होने के वजह से मैं वहां जा नहीं पा रही। तो गाइस वो है जीरो पॉइंट, खूबसूरती देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि सब अच्छा आपको भी वैसे ही फीलिंग करा सके। ये देखें मैं कितने करीब हूँ, और ये रही मैं, ये और ये रही वादियाँ। बहरहाल अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर बताती हूँ। हम लोग ले आए हैं फ्रूट चाट और ये ब्रेड बटर टोस्ट, और यहाँ चटाई बिछा के इस वादी में बैठ गए हैं। शैनो बैठी है, वो बच्चे अयान आशी वो देखिए ब्रेड खाते हुए, और अयान वहाँ, और मौसम जो है चेंज हो गया है, धूप चली गई है, हवा में ठंडक आ गई है, मजा आ रहा है वादियों में। वैसे अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है, ये देख लिया आपने। शैनो ने वैसे तो काफी कुछ कवर कर लिया है, फिर भी मैं एक बार अपने व्यू से आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसे जो है हमको कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा अयानू जो है थोड़ा परेशान हो रहा है, उसे घर की याद आ रही है और वो थक गया है। और व्यू देखिए आप, ब्यूटीफुल व्यूज, ब्यूटीफुल ये जो है क्या? अरे उसे तो देखिए हाँ उधर भी देखिए भाई, वो हमारा शेर डांस करते हुए, यही है असली बच्चा मेरा असली। तो ओवरऑल ब्यूटीफुल व्यूज हैं, कुछ स्नैप्स ले लेता हूँ, मिलते हैं आगे यहाँ से निकलते समय। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड करके
अब हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं क्योंकि मौसम भी यहाँ खराब हो रहा है, रश काफी ज्यादा है और हम अब वापसी के रास्ते में चलते हैं, तो अभी ट्रैवल करने में भी हमको काफी ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। तो ओवरऑल जो है जितनी जल्दी निकल जाएंगे 7 करेत के पहुंच जाएंगे। आप व्यूज आप लोगों ने देख लिया है, तो मेरा तो एक बार जो है आप लोगों को ये फैसला है कि एक बार आप आ सकते हैं सोनमर्ग, शायद विंटर में खूबसूरत होता हो, समर में सो एंड सो है, बहुत ज्यादा रश है और बहुत कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कुछ एक वाटरफॉल्स हैं जैसे साइरस वाटरफॉल है और यहाँ पे पोनी पे लेके जाते हैं ऊपर, वो ऊपर 2-3 साइट सींग्स हैं और ट्रैकिंग का रास्ता है, लेकिन ना तो मैं ना शैनो ना आयान हम में से कोई सा भी जो है हॉर्स राइड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो वहाँ जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उधर हैं वो पॉइंट्स और हम वहाँ जाना नहीं चाहते इस टाइम पे। ओवरऑल वैसे भी लगभग 3.5 आवर्स स्पेंड होंगे और वहाँ पे जो है वो जहाँ बजरंगी भाई जान की शूटिंग हुई है वो बॉर्डर्स क्रॉसिंग वाला वो सब पोर्शन भी है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सो दैट थिंग्स। जैसा सोच के आया था वैसा नहीं है सोनमर्ग में, भी हो सकता है कि ऊपर जाकर कुछ और व्यूज आते हो। ऑलरेडी सिंथन टॉप पे हम लोग ऐसा घूम चुके हैं, तो इसलिए अब आगे के लिए प्रोग्राम यहाँ से घर की तरफ का बनाएंगे। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना, नान 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 नान। ये देखो भाई मस्त लग रहा है भाई, भाई मस्त लग रहा है भाई भाई मेरा बच्चा मत सदके। पहाड़ों पे बारिश हो रही है, मौसम देखिए कैसा हो गया है। ये बात वो जो सिंथन टॉप पर हमें मिले थे पुलिस वाले जो भाई थे, उन्होंने बताया था कि जम्मू का माहौल और मौसम कभी भी कश्मीर का सॉरी बदल सकता है। तो वाकई अब आप बारिश देखें, बहुत जबरदस्त बारिश है। आवाज सुने, ये देखें ये सीढ़ी नुमा खेत, ओहो थंडर बोल्ट ओ तेरी, और ये देखे नजारे, ओए माशाल्लाह आप देखे जरा, वाह 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 भाई वाह भाई वाह भाई। देखिए सारे बाइकर्स और ये लेह से वापस आ रहे हैं क्योंकि इनमें लेह का भी वो है, और देखिए सबको बाय करते हुए लद्दाख से कहीं जा रहे हैं ये, हाँ मतलब लद्दाख से कहीं जा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? बकरा है, बकरा बकरा वो जा रहा है, बकरा ईद के लिए तैयार हो रहा है वो। पढ़ाई का गड़बड़ हो गया होगा तो एक तेरा ए छूट गया है, ऐसा मैंने तेरा यहाँ भी नाम ढूंढ लिया, मिस यू, मिस यू। ये एक और लेक खूबसूरत, नाम अभी मुझे इसका नहीं पता है, हम हजरत बल क्रॉस कर रहे हैं, मैं देख के फिर आपको बताऊंगी। ये भी अच्छी बड़ी है लेकिन इसमें कोई हाउस बोट नहीं है, कोई बोटिंग का कुछ नहीं है, बाकी इसके बारे में मैं बताऊंगी। ओ खुदाया आप ये देखिए, म्यूजिक बंद कर दो, बंद कर एक सेकंड। ओ खुदाया ये देखे जैसे सीनरीज में होता है, शिकारा काला काला सब बादल और क्या बनाते हैं ना, ये देखिए वाह ब्यूटीफुल व्यू। अब आया ये देखे
लगता है बिल्कुल आसमान में सिंदूर फैल गया है। सुबह एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। क्या थे कौन से देव बाबू। ओ खुदाया ढंग से बंद नहीं हुआ इधर से। आए हरे अल्लाह क्या है। आप जरा साइड में रोक के बना लेते एक बार पानी और इसकी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू डल लेक का। और ये देखें एक तरफ रात गाड़ियों की रोशनी ऊपर खूबसूरत मंजर और एक तरफ शाम होते होते देखिए ऊपर आसमान नीला दिखाई देता हुआ और इधर कुछ अलग ही नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीनरी बना कर रख दी हो। बेहद खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। इसलिए रुक के हम लोगों ने इसको आप लोगों के लिए कैप्चर किया। एक मेस्मराइजिंग मोमेंट एक मेस्मराइजिंग सीनरी है। मम्मा वीडियो बना रही हैं? फिर होगा धीरे धीरे चलते हैं साथ। आशु ये है हमारा होटल जिसपे हम अब थक के ऐसे हो गए हैं। ये रहा होटल बहुत प्यारा है नीट साफ सुथरा और बहुत ज्यादा मैं नहीं बना पा रही हूँ। ये है बेड। हाँ भैया फोर स्टार है तेरा भैया भैया ये देखें। यहाँ मिल गए हमें मकबूल भाई। मकबूल भाई ये हमारे व्लॉग में आए हैं। सलाम कर दीजिए मेरी YouTube फैमिली को। वालेकुम अस्सलाम। ये खड़े हैं डॉक्टर साहब। अब आप हमारे वीडियो में आएंगे दो चार दिन के बाद। देखिएगा आपके इसमें सब्सक्राइब कर दिया है इसको भी देखिएगा।